लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हुगली जिले के श्रीरामपुर से, जहां एक कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब एक छात्रा पर एक छात्र ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला त्रिकोणीय प्रेम संबंध को लेकर किया गया है, जिसके बाद छात्रा ने इसका लिखित शिकायत प्रिंसिपल के पास दर्ज करवाया है। शुक्रवार को श्रीरामपुर कॉलेज में उस वक्त उत्तेजना फैल गई जब कॉलेज में परीक्षा के दौरान एक छात्र व छात्रा के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। थर्ड ईयर की छात्रा लिपिका मिश्र को ऑनर्स की छात्र राजू मिश्र ने क्लास रूम में ही काफी मारा, उसके मोबाइल छीन लिए और तो और इन सारी गतिविधियों को उसने अपने मोबाइल पर कैप्चर भी किया। मेटा के बार बार फोन करे, डिस्टर्ब करे कि तुम्हें हमारे संगे रिलेशन रखते हैं, ना हमें तुम्हार छवि नेटे छेड़े देव, तुम्हें बार 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 डिस्टर्ब कर। भाव कि चल बच्चा ओके कि एक्शन नेब, किंतु आज के ऐसे कॉलेजे वो परीक्षा दीचे, परीक्षा देर समय मैंने परीक्षा हले ढुके ओके मेरे और हाथ के मोबाइल कैड़े नहीं चले गए, एखे माथाओ फेटे गए काड़ा दिए मेरे। दरअसल ये मामला त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का है। আমি পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, ও আমার ক্লাসরুমে গিয়ে আমার থেকে আমার ফোন ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসে বাইরে। অ্যান্ড আমি ম্যামের থেকে ফোন নিয়ে আমি আমার বাবাকে কল করি। এবার আমার বাবা মা বলে যে আমি বাইরে আছি, তুমি এসো। আমি যখন বাইরে বেরোতে যাই সিঁড়ি দিয়ে, তো আমাকে মানে আটকাতে যাচ্ছে আর আটকাতে দিয়ে আমাকে মাথা ঠুকে আমাকে মেরেছে সিঁড়িতে। লিপিকা মিশ্র নে আরোপ লাগায়া কি রাজু উসে দিন রাত পরেশান কিয়া করতা থা আর উসে মারনে কি ধমকি ভি দিয়া করতা থা। লিপিকা দ্বারা উসে নজর আন্দাজ কিয়ে জানে পর রাজু ক্লাসরুম মে পৌঁছ গিয়া আর উসে বেধড়ক মারনে পিটনে লাগা। वहीं लिपिका मिश्र ने प्रिंसिपल के पास इस मामले की लिखित आरोप दर्ज की। প্রথমত খুব লজ্জা বোধ করছি আমি, মানে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট শ্রীরামপুর কলেজের, যেটা বারবার হচ্ছে তারপরে কোনো রকম কিছু হচ্ছে না। এবছর মানে এইবারে আমরা মানে প্রশাসনের উপর আস্থা রাখছি, কলেজের উপর আস্থা রাখছি, আশা করছি সঠিক বিচার আমরা পাবো। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर के रहने वाले बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर जब शुक्रवार को मुर्शिदाबाद पहुंचा तो इलाके के लोगों के आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली। इसके साथ ही साथ जवान के पार्थिव शरीर को पूरे रेजी नगर में घुमाया गया। इसके साथ ही लोग भी अपने जवान के साथ ही साथ पूरा परिभ्रमण करते रहे। इसी दौरान शुक्रवार की शाम को पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके साथ ही साथ पूरे इलाकावासियों ने अपने प्रिय जवान और शहीद को विदाई दी। मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर के रामपारा के रहने वाले बीएसएफ जवान राधापद हाजरा 3 जनवरी को शहीद हो गए। वर्तमान समय में वे नदिया के नाजिरपुर में रहते थे। राधापद के पार्थिव शरीर को दमदम विमान बंदरगाह से उनके जन्म स्थान रामपारा के हाटपारा में लाया गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर की परिक्रमा पूरे इलाके में की गई। करीब 10 बजे शक्तिपुर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के उच्च अधिकारी व इलाका वासियों ने उनके आत्मा की शांति की कामना करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। देश के शहीद की मौत पर सभी लोग भावुक दिखे। आइए देख लेते हैं बंगाल से जुड़ी कुछ अन्य बड़ी खबरें। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज के 6 नंबर वार्ड की महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी की 63वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गयी। इस मौके पर महिला सदस्यों ने केक काटा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इस मौके पर उपस्थित थी महिला तृणमूल कांग्रेस की शहर सभापति स्वप्ना गुप्तु, मांपी साहा, तपन कुंडू सहित कई लोग। आज ये কালিয়াগঞ্জ শহর মহিলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে তথা 6 নম্বর ওয়ার্ড মহিলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের প্রিয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, আমাদের দরদী নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজকে 5ই জানুয়ারি তার 63তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা আমাদের ওয়ার্ডে মহিলাদেরকে নিয়ে একটা ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছি। দিদিকে আমরা আজকে দিনে দিদির মাথায় যারা আমরা গুরুজন মানুষ যারা আছেন তারা দিদির মাথায় আশীর্বাদ রাখবেন, দিদি জন্মদিন যেন বারবার আমাদের মাঝে ফিরে আসুক।
दिनाजपुर जिले में फिर एक बार सड़क हादसे में एक बाइक सवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये घटना इस्लामपुर थाने के भद्रकाली इलाके में घटी। मृतक का नाम 22 वर्षीय सद्दाम हुसैन बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सद्दाम बाइक पर सवार होकर अपनी दुकान की ओर जा रहा था। उसी दौरान तेज गति से आते हुए एक जेसीबी की टक्कर बाइक से हो गई, जिससे इस घटना में बाइक सवार सद्दाम बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा घायल अवस्था में सद्दाम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से ही गुस्साए स्थानीय लोगों ने घटनास्थल को 4 घंटे तक जाम रखा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने घातक जेसीबी को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।